जय हिंद प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे दरोगा भर्ती 2024 की। और इस दरोगा भर्ती 2024 की ये जो वैकेंसी है वो कौन कौन स्टूडेंट भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, और भर सकते हैं तो ये क्या क्या मतलब किन किन चरणों से गुजरना होगा और क्या क्या इसकी फॉर्म अप्लाई में क्या क्या देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे और कैसे इसका मतलब कब से भरे जाएंगे, ये सारा चीज हम इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। और कौन कौन भर सकते हैं तो दरोगा भर्ती 2024 की बात करते हैं, जो भारत के सभी स्टूडेंट, चाहे आप उसमें मेल हो या फीमेल, मतलब कि लड़का लड़की दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों दरोगा बन सकते हैं। दरोगा बनने का अगर ड्रीम है, सपना है, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो दरोगा वैकेंसी जो आई है ये बार बार नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो इस वैकेंसी को जरूर आप भरिएगा, ठीक। आवेदन तिथि की बात करते हैं तो 15 अप्रैल से इसका स्टार्ट हो गया फॉर्म और 14 मई तक इसका लास्ट होगा। 15 से स्टार्ट हो गया है, 14 मई तक इसका होगा लास्ट होगा, ठीक है ना। आवेदन फी आपको ₹500 लगेंगे और वहीं पे ये आवेदन फी लगेंगे ओबीसी और जनरल के, और ₹250 लगेंगे एससी एसटी के, और बाद में ये जो फी लगेंगे वो आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो फी आपके रिटर्न होंगे तो आप तो जो फॉर्म भरिएगा वो किसी से भरवाइएगा, किसी कैफे में भरवाइएगा, तो जिसका अकाउंट से पैसा कटेगा उसी का अकाउंट में ये फंड रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप खुद से अपना अकाउंट से कटवाने का प्रयास कीजिएगा। अब अगर आप किसी कैफे से कटवाते हैं, कहीं फॉर्म भरवाते हैं, तो आप उनसे ये बोल दीजिएगा कि मेरा रिटर्न फी आएगा तो आपको वापस देना पड़ेगा, ये बात जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि ₹500 है तो ₹400 आपको ये फी वापस कर दिया जाएगा, वापस मिल जाएगा। वहीं उम्र सीमा की बात करते हैं तो आपकी 20 वर्ष होना चाहिए दरोगा बनने के लिए और मैक्सिमम 28 वर्ष, इससे फालतू नहीं होना चाहिए। छूट आपको मिल जाएगा, आरक्षण में आपको 3 वर्ष मिल जाएगा ओबीसी और जनरल के लिए और 5 साल मिल जाएगा एससी एसटी के लिए, ठीक। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप आपका कितना उम्र सीमा है। ये बता देते हैं कि आप कितने उम्र होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप 1996 और 2004, ठीक ना, अगर इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, कर सकते हैं। अगर इनके बीच में कौन स्टूडेंट, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी की बात करते हैं तो वहीं पे आपके 2/7/1993, 1/7/2004, अगर इनके बीच में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें भर सकते हैं। और एससी एसटी की बात करते हैं तो 2/7/1991 से लेकर 2004 तक, अगर इनके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि मेरा जो है वो डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, हम उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये दरोगा की भर्ती में आपकी उम्र सीमा है और इतने फी लगेंगे, ये फी इतना दिनों से मतलब ये आवेदन तिथि इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो दरोगा बन रहे तो आपके 60,000 से ऊपर ही सैलरी मिलने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी को कौन भरेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, 10वीं पास वाले भरेंगे, 12वीं पास वाले भरेंगे या फिर अदर जो भी पास किए हैं। तो ये बात करते हैं कि दरोगा की जो भर्ती है ये मांगा गया है ग्रेजुएशन, अगर जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हैं वही इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक। ग्रेजुएशन नहीं किए हैं अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, 10th है 12th है, ठीक, ये नहीं कर सकते हैं। ये दरोगा की भर्ती जो आया है ये भी आपको बता दें कि ये जो दरोगा की भर्ती है, ये दरोगा आपको करा रही है, आप रेलवे का दरोगा बनिएगा, रेलवे में दरोगा बनिएगा। तो ये रेलवे का दरोगा मिलने का ये मौका जो है ना वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बता दें कि इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, हर हाल में भरिएगा, क्योंकि ऐसा आप लोगों का फिर दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये समझ गए, जिनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है वो भर सकते हैं, रेलवे में दरोगा बन सकते हैं,
आपको बता दें कि रेलवे में आज जो कांस्टेबल पद की है और ये सब इंस्पेक्टर पद की है, सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का कांस्टेबल आपका जो होंगे तो कांस्टेबल का भी निकला हुआ है। हम कांस्टेबल का जिक्र इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर की बात कहेंगे और उनको इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हम आपको पूरा चीज बता दें कि इतना तारीख से आवेदन होगा, ये उम्र सीमा होंगे, इनको थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए सिलेक्शन कैसा होगा, चयन प्रक्रिया की, सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा, ठीक ना, ऑनलाइन एग्जाम होंगे कंप्यूटर पर बैठ के बैठकर, और आपको माउस द्वारा आपको क्वेश्चन को टिक करना है। ये एग्जाम तो आप दिए होंगे, जिसको बोलते हैं सीबीटी, ठीक है ना। फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, इतना ही आपका चयन प्रक्रिया, मतलब इतने आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक। अब एग्जाम पैटर्न की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए जीके जीएस आपको पढ़नी होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा और वहां पे अर्थमेटिक को पढ़ना होगा। रीजनिंग जीके जीएस से 50 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन आपको टोटल होगा और 120 मार्क्स आपके होंगे। अब इसमें आपको जो स्टूडेंट देखिए आपको यही रिटर्न से ही नहीं बल्कि आपको इसमें से 8 गुना 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि फिजिकल रिटर्न में तो कम नंबर आएंगे लेकिन फिजिकल के लिए, फिजिकल में अगर ना निकाल पाए, क्योंकि फिजिकल इनके होंगे, फिजिकल में आपको पास करने के, तो फिजिकल में आप 8 से 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसमें टाइम जो रहेगा ना ये एग्जाम का वो 90 मिनट रहेगा, ठीक। थोड़ा सा मेरे को फास्ट ये बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं इमरजेंसी में, इसलिए ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मेरे को बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। देखिए फिजिकल टेस्ट की बात कहें तो फिजिकल टेस्ट में आपके जो होंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए, वो आपको बता देते हैं क्या होंगे। तो सबसे पहले कि मेल कैंडिडेट का हाइट जो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि सभी का होगा ही, ठीक है ना, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मांगेगा, जो आपका चेस्ट फुलाने की बात करते हैं ना, नॉर्मल आपका होना चाहिए 80 और फुलाने के बाद होना चाहिए 85, 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। रनिंग की बात कहें 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 6.5 मिनट में, जो आर्मी का दौड़ होता है वो दौड़ होता है 1600 मीटर, आपको उसमें 5.5 मिनट में दौड़ना होता है, यहाँ पे आपको 6.5 मिनट दिया जा रहा है, 6 मिनट 30 सेकेंड आपको टाइम दिया रहेगा और आपको दौड़ना होगा। और लॉन्ग जंप की बात कहें तो 12 फीट आपको लॉन्ग, 12 फीट 9 इंच आपका लॉन्ग मतलब समझे, आपको ऐसे दौड़ना हो, लॉन्ग छलांग लगाना है 12 फीट 9 इंच। और वहीं पे बात कहें हाई जंप मतलब ऊंचा, जो ऐसे बोलते हैं ना कि आपको इसको यदि करना है छलांग लगाना है, तो आपको हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। ये हुआ मेल कैंडिडेट का। फीमेल के बात करते हैं तो हाइट में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल का, और चेस्ट नहीं होता है फीमेल में। और रनिंग में बात कहें 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, जो कि दौड़ सकते हैं आप। और वहीं पे बात कहें लॉन्ग जंप में, तो यहाँ पे 12 फीट नहीं, वहां पे आपके 9 फीट होंगे और ये जो हाई जंप है वो आपके 3 फीट होंगे। यही है मेल और फीमेल का। हाँ आपको बता दे कि ये जो डिटेल जो है वो आपको बताएं हम, तो आप इसमें जैसे कि आप कैटेगरी, जैसे कि एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो सभी का अलग अलग इसमें आपको फिजिकल के लिए रहेगा। तो आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी जो है वो रेलवे के तरफ से निकल कर आया है, जो आप अभी आप लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं आरपीएफ की तरफ से, जिसमें कांस्टेबल पद और सब इंस्पेक्टर दोनों का रिक्तियां है, खाली है, और दोनों का ये वैकेंसी आया हुआ है। उनमें से हम ये कांस्टेबल पद की ना बताकर हम सब इंस्पेक्टर को बताएं, जिसमें दरोगा की भर्ती का विशेष ध्यान दीजिएगा और जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक। बाकी किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपको जरूर मदद करेंगे। बाकी
मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। किसी भी सरकारी नौकरी का आप अपडेट सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से हर एक प्रकार का सरकारी नौकरी का अपडेट इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, बेहतरीन कीजिए। बाकी मेरे से अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मेरे से चैट यानी बात कर सकते हैं। हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।